लोक प्रकरण, विवाद प्रकरण, मतलब जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। इन लोगों ने जो किया ये कोई आज की साजिश नहीं है, आज से नहीं है। जिस टाइम ये सरकार आई वो एक मौका था, और हम तो दिमाग खराब हुआ, हम तो को खट्टर साहब ये देखा करते बोले ये नीचे तो कमजोर से न ऊपर से कमजोर से बोले नीचे थोड़े मजबूत से नीचे तो बसते रही हो। तो वह बात थी, हम नहीं समझ सके। इनकी कहानियों ने 2012-13 में खूब झूठ बोली और निले जुमले जुमले की तक मर जाएंगे कि मुझे मिल जाएंगे, 15 लाख देंगे, प्राणा देंगे, लोग चक्कर में आ गए और खूब मेहनत करके एक दौर में सब जमट हो गई सरकार ले दी और लिया पाचीव करना धरना कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं। और जो कि बुद्ध जैसे बड़ा कहते मतलब जुमले थे चुनाव के जुमले थे, इन वो अगला चुनाव फिर आने लग रहे थे, उसकी खातर मेरे बताने एक पे एक कांड पर कांड, अब इस कांड से भी आगे ज्यादा और भी बड़े कांड हो रही। तो हमारी खाप जो बीच में आई इन मामले में वो इसलिए आई, खाप का काम सिर्फ क्या होता है कि समाज को जोड़ना न कि तोड़ना। और जब कोई इस प्रकार का कोई प्रकरण या कोई चीज दिखाई देती है तो कूट बीच में कूदना पड़ता है। और दूसरा खाप प्रधान का काम क्या है कि समाज की समस्या लेके सरकार को रखना और रख के उससे मनवाना और मनवा के लागू करवाना। तो भाई साफ बात है, सरकार तो अपने जिला पार्षद रही है इनके काम करेगी, खाप खुपा के ना करेगी, वो तो हमेशा लागबाग में रहेगी, खाप प्रधान तो हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। पर जो ये प्रकरण में है, इस प्रकरण में महाराज इन मंदिरों से कोई लागा देगा नहीं है खापों का। हम तो अपने हमारे पूजनीय है जो खेड़े हमारे दादा भूमिया है, हम उनको पूजते हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई लेना देना नहीं। 3 ईंट धर के और एक दोस्त जड़ादार उन्हें पूर्वजा ने याद कर लिया, जो मंग तो मान नहीं हो मान लिया, हमारी तो उन्नत पूरी हो जाए। और आजकल जो व्यापार चल रहा है नशे का, जो ये इसमें जितने भी जो ये बंदरगाहों पर जो ये पकड़े गए, जैसे आज 300 क्विंटल हीरोइन पकड़ी गई, आज इतना अशीष पकड़ा गया, नशे पर नशा गांव में वार्ड में सब कुछ, वो सारे गए इंडस्ट्रीज में पंचायतों में, मतलब हर जगह फैल लिया हो नशा, इतना बुरा काम हो रहा है कि शाम के टाइम किससे दीवार का तो देख लियो मेरे बेटे न्यू करते पाऊंगे। बहुत गुंडाल हो रहा है समाज को, क्योंकि ये एक साजिश है। और वो साजिश आई कहां से, आज से नहीं, वर्ष 1940 में एक किताब लिखी गई थी, वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइंड, वो किताब लिखी थी MS गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो कि इसके RSS के सेकंड संस्थापक थे, उन्होंने अपने की ये किताब लिखी थी। और उस किताब में क्या था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो सरकारी संपत्ति जल जंगल और जमीन, उस देश की सरकारी संपत्ति जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे। ये तो 1940 के दशक में लिखी गई, जो ये काम होने लग गया है। और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, आपकी 7 जन्म तक भी सरकार नहीं जाएगी, ये उस किताब में है। उसके बाद में जब देश आजाद हो गया तो इसने एक और किताब लिखी भगतिया ने, सदाशिव गोलवलकर ने, उन्होंने क्या लिखा उसमें, एक वो किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, और उस बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पर ये लिखा है, पहला एक पॉइंट कि भारत का संविधान विषैला बीज है। तो भाई ये काम तो होंगे, ये काम तो चल रहे हैं, ना रुके किसी हाथ में भी जब तक इन्हें ना बजा ले। फिर दूसरी बात क्या लिखा, दूसरा पॉइंट कि ये तो हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र की बजाय एक तंत्र शासन चाहिए, विधानसभा लोकसभा ये सारी समाप्त होनी चाहिए, पर चलो इन्हें भी छोड़ दो। अगला पॉइंट पट्टे ने एक और लिख दिया, उस पॉइंट में क्या लिखा है अगले पॉइंट में कि ये संबंध जो है ना ये नहीं होने चाहिए, इन वो संबंध जो है नहीं होने चाहिए, एक तरफ तो आपस में भाईचारे वाला अब लड़ा लो, उस तो उसने लड़ा लो, मतलब आपस में जितने भी हुए से बात या समाज एक रहना नहीं चाहिए, किसी तरह पाटो, सिर्फ वोट ही देखना है कि वोट कैसे अपनी बटोरी जाती,
और आजकल तो वोट वाट भी दे रहे मत ईवीएम माता रानी की मेहरबानी चलेगी, जो कुछ भी होना हो तो ईवीएम माता रानी करेगी, वो इनके हाथ में है, तो टेक्नोलॉजी सारी की सारी। पर चलो उससे कोई मतलब नहीं, पर जो इन लोगों ने जो ये किया संबंध विच्छेद वाला, उसमें सबसे गहरा तो ये है कि कोई किसी की बुआ नहीं हो, किसी की भतीजी नहीं हो, कोई चाची नहीं लग गए, कोई किसी की ताई नहीं लग गए, मतलब ये संबंध होने नहीं चाहिए। और भाई सारे मुद्दे से इन अपने घर की तो परवाह नहीं, और बाकी जी ने संबंध का मतलब है कोने। फिर जो अगला प्रोग्राम जो जी ने जो दिया एजुकेशन वाला, उस एजुकेशन में ये कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को कम से कम दाखिला दे। क्यों बढ़कर भाई के में कट रखे इनका खुश रखे क्या मैं, वह भी तो आखिर जो परमात्मा जन्म दिया से वह भी तो अपने एजुकेशन के हकदार है। पर ना तो ये जो साजिशें आप जो तरह दी है वो सारी की सारी वहीं से आई है, टोटली उन्हीं के ऊपर सरकार चल रही है, उन्हीं के ऊपर चलेगी। फिर जो इस जो ये प्रकरण था मेवात प्रकरण, इसके ऊपर जो मेरे पास इनपुट सही जो ये 31 तारीख में हुआ कांड, इस 31 तारीख में ये कांड होने के बाद में बहुत ऊपर से सरकार से, क्योंकि हर आदमी हर जगह के किसी कोई न कोई किसी भी किसी की साजिश है, तो वो आती है कि डॉक्टर साहब अब यो नेक्स्ट प्रोग्राम सोनीपत पानीपत से स्टार्ट होगा, ये रुकेगा नहीं, यह आगे फैलेगा। तो किसी की करे ग्रह आप उन खापो ने उन्होंने को बोले जो गांव में वो गुरुकुल है, अब ये आर्य समाज ये को इनसे बढ़ाऊंगे और ये बजरंग दल ये वापस होंगे। तुरंत हमने उसी टाइम में खाप प्रधानों को उस एरिया के मोदी आदमियों को भाई जो आ रहे इस गुरुकुल पर नजर रखियो, भाई इसकी जो हकीब जो मस्जिद है इस पर नजर रखियो, कोई हादसा हो नहीं था, किसी तरह उन लोगों ने खूब मदद करी, खूब घूमे और हम जो सोनीपत वाले प्रखंड से बच गए, थोड़ा सा पानीपत में तो हो गया, वहां तक हम जो है ज्यादा निकल सके, ज्यादा हाथ में नहीं थे। पर सारी की सारी बात यह कहने का मतलब यह साध्य सरकार की है, ईवीओ जो इससे की जो बड़कन कह रहे इन बड़कन ठाउन लागे चलो सीधे बड़कन है किसो मनवाओं कर लो, मतलब जो एक भय का जो माहौल खुद मेरे घर में भी खुद मेरे घर आड़ी तड़के तड़के कैसे अड़ाते पहले जब तड़नते पहले देखिए जान करके मैंने कि मैं हो ना जा कई बार आ लिया से मामला और मतलब जिस लागे तू जी तैना रहे मैं बोले जब मेरे तेल लड़ाई हो जाती जब तुझे कह रही ढेड मरता भी बोला इमा का मर जावा दी तू दुख पावे से। तो बात यह है कि तो चलती है अगले कोई इन चीजें परवाह नहीं, खाप प्रधान तो भाई अपने समाज के लिए जिया समाज के लिए मरेगा। पर जो इन लोगों ने जो ये जो साजिश के जो झूठ बोल कर सरकार कर रही है, जो ये ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो ये प्रशासनिक अधिकारी और आईपीएस वगैरह जो ये कर रहे हैं इन राजनेताओं के दबाव में, इन राजनेताओं के दबाव में मेरे तीन पीढ़ियां में मुकदमा दर्ज हो लिया, संसार का पहला ऐसा मुकदमा तीन पीढ़ियों का जो औरतों पर मर्दा पर दोष क्या हो गया होगा, औरतों पर मेरी घरानी पे भी, मेरी छोरी पे भी, उसकी छोरी पे भी झूठे मुकदमे। तो ये तो चले चलेंगे, अब गई हमने इन चीजें की परवाह कौन है, अगर वो तो कानून से कानून देखेगा उस मामले में। पर यहां तो क्या रहेगा पहाड़ी पर तो गोली, मतलब नीचे से जो अशोक जो बाबा गोली चलाओ है उसने तो पुलिस रोकती को ना पट्टे ने, हालांकि यह ममता जी मैडम जो है ना बहुत बढ़िया औरत है, बहुत बढ़िया लेडी है, और हमने पहले भी इसके इनके कई इसमें हमारे जाट आरक्षण में भी उसमें भी इसने वो झूठे इल्जाम लगाओ थे जाटों पर वो भी इन्होंने धोए है। पर इस मामले में पता नहीं क्यों चुप रहेगी, क्यों उसने वो रोकन नहीं दिया, यहां से नीचे तो गोली चलाओ रहा मंदिर माते तो गोली चल रहे है, पर जो वो ऊपरली गोली चल ली, एक वीडियो हमारे पास आई कि जो ये मुस्लिम औरतें मेवाती औरतें, तो ये जो मेवाती औरतें वो ये कह रहे हैं कि हमारी छत का ऊपर गोली, भाई ये मकानों की तरफ गोलियां चला रहा था पहाड़ी से कि वो मंदिर पर चला रहा था, मकानों की तरफ गोली चलाने से क्या मतलब, मन ने तो यह हालात कैसे कदे वो जो ना वो मोनू मानू कौन के कहे है कदे वो ऊपर से चलाता हूं जरूर समय तो दिखाया को ना, और वो कह के पहले ऊपर भेज दिया पहाड़ी पे, भाई इस प्रशासन में अगर जाओ तब नजर गया था ऊपर से पहाड़ी तो गोली आवे से पब्लिक ने मारे से, तो इस पुलिस ने प्रशासन ने इतनी पुलिस तो ठीक ऊपर से रोक सके थे घेराबंदी दे के उन्हें पकड़ सके थे, पर नहीं क्यों पकड़ेंगे इनने के आदमी इनने के भेजो इनने की स्थापना। और मैं इनसे भी एक प्रार्थना करूं इन प्रशासनिक अधिकारियों से, बालाजी सुन लो कान लगा के, कैनेडा में
दो तीन बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के, राजनेताओं के, क्योंकि इनका के काम हो रहे हैं, अपने पास गंध भेज दो बाहर और दूसरे ने बखा बखा के लड़ा दो, कूड़ बदवा दो इनका। सारी साजिश या तक भी है, कैनेडा में गए इनके बालक, इसके जो ब्रिगेडियर के लेफ्टिनेंट जनरलों के कैनेडा ने वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इनमें सम्मिलित थे। तो बालाजी जो यहां के प्रशासनिक अधिकारियों, टाइम आपके बच्चा में भी कभी नहीं सोचक नहीं है, ऊपर वाला देखे से नाजायज मत करो इस बच्चे के साथ, भाई जिनने गलत काम करे करो, अरे बड़का के कुछ एक बालक आगे मकान लो उनके चक्र में, भाई को किसी का जीजा बढ़ेगा देख जाने थे। तो भाई साफ बात से कोई रसोवाड़ी कितना दी सबको उठेगा, मेरे घर ना आने की कोई मेरे दिन घर देखे खतरा जीत जाऊंगा, माला लेके तैयार रहियो, स्वागत खातर तैयार रहियो। तो ये कोई शोभा वाली बात नहीं थी, प्रशासन ने रोकना चाहिए था, पर ना उस पर वही नाम मात्र की धारा लगाते कि छुट्टी थी। और अपने ये बोर्ड ने भाई घर की वही काका लिखनिया, इन का शासन इन का प्रशासन, ये क्यों धाराएं लगाऊंगे, इनने तो धारा पदम नवाणी आओ इसे सारी की सारी। ये देखो ये तो न्यायालय यो क्या करेगा, प्रकरण का सारे न्यायाधीशों ने भी इन्होंने भी सब कुछ पता है। अब ज्यादा क्या कहना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम तो सिर्फ प्रार्थना कराएं इस आर्य समाज से, थोड़ा सा बच के रहियो, मंदिर में जेड़ीगा के काम और मंदिर में आप लोगों का कोई काम नहीं। जो स्वामी बैन ने भी साफ क्लियर किया था भाई मंदिर मस्जिद से इन चीजों से, चाहे गुरुद्वारा होते और कुछ हो, वो नहीं होगा भाई जो कुछ पूछना है अपने घर में पूछ लो सब, जब खड़े माँ बाप हुआ इनने तो हम तो ये कहता हूँ घड़े से जिन पूजनी स्थाना की उसकी करने की जरूरत हो ना, पूजने हैं तो भाई अपने देर खाड़ से हम तो अपने दादा भूमिया से इनने पूजेंगे। पर आप मारिये समाजियों मंगा इन बामना में इन चक्रा में इनमें मत फंसियो, इस समाज में भाईचारे ना आप लोगों ने जोड़ते रहे, आगे भी जोड़ते रहियो, इस सरकार की साजिश पर साजिश चलेंगी, इनसे बच रहे बस।